Good morning and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. Today I am going to teach you science of class 6. And this is the chapter 6 only. So basically in this chapter we will learn about the changes around us. हमारे तरफ चारों तरफ क्या क्या changes हो रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसको हम इस chapter पढ़ेंगे. Basically और क्या चीजें आपको इस chapter पढ़ना है? Reversible and irreversible changes, physical and chemical changes, changes with different substances are mixed. Some more example of physical and chemical changes. So basically reversible, irreversible, physical, chemical, ये सारे changes पढ़ेंगे. First paragraph से start करते हैं बिना अपना time waste किए हुए. Most of the things around us are changing all the time. बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हैं जो हमें उनमें changes हो रहे हैं, ठीक है. Some common changes we observe are, कुछ changes ऐसे जो आप daily observe करते हैं, देखिए उसको क्या क्या है. Changes in weather, weather में जो changes हो रहे हैं, alternation of day and night, दिन हो रहा है फिर रात हो रही है फिर दिन हो रहा है, ये भी तो एक change है. Cooking of food, spoilage of food if kept for long, अगर आप काफ़ी लंबे समय तक खाना रख दें तो वो भी spoil होगा, मतलब खराब हो जाएगा. खाना बनना, इसमें भी आप changes देखते हैं. Rusting of iron, iron में जंग लगना. Burning of paper, wood and fuse. Changes in plants, germination of seeds, growth, flowering, formation of fruits. Changes in animals, growth, producing babies, movement of things, sometimes slow, sometimes fast. And sometimes a repeated motion such as that of a pendulum. So basically, आपने बहुत सारी changes देखा, आपने देखा होगा कि weather में change हो रहा है, खाना बनाते वक्त आपने देखा होगा कि food में changes होता है, alternation of day, दिन हो रहा है फिर रात हो रही है, जंग लगते हुए देखा होगा लोहे में, iron में, उसके बाद burning of paper, wood, fuse, ये भी examples है. Changing in plants, पहले छोटा सा plant था फिर बाद में वो tree बना. जर्मिनेशन ऑफ सीड देखा आपने, देखा होगा सीड को अंकुरित होते हुए देखा होगा, उसमें स्प्राउट्स निकलते हुए देखा होगा. आपने ग्रोथ देखी है, मतलब ग्रोथ कैसे डेली डेली जो भी चेंजेस हो रहे हैं, कोई चीज़ पहले छोटी थी जैसे पेड़ पौधे हो गए, फिर धीरे धीरे आप उसमें ग्रोथ देखोगे. आपने फ्लावरिंग देखा है, फूल को खिलते हुए देखा है, फ्रूट्स का फॉर्मेशन देखा, एनिमल्स में चेंजेस, ग्रोथ, वो जब बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत सारे मूवमेंट, कोई चीज़ स्पीड चल रही है, कोई चीज़ स्लो में चल रही है, कोई चीज़ रिपीट कर रही है जैसे पेंडुलम. सो बेसिकली ये जो मैंने इतना फास्ट आपको डिटेल में बताया कि इससे बहुत सारी चेंजेस है जो हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हो रहा है, मतलब हर तरह के चेंजेस हो रहे हैं. जो दिन हो रहा है फिर रात हो रही है फिर दिन हो रहा है, तो ये सब अलग अलग तरह के क्या है, चेंजेस हैं. डू यू नो वाई दिस चेंजेस ऑकर, क्या आपको पता है ये सब क्यों होता है? चेंजेस इन वेदर ऑकर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. अब देखिए जो आपके मौसम में जो वेदर में चेंजेस होता है ये किसकी वजह से होता है? सन की वजह से. किसकी वजह से होता है? सन की वजह से. डे एंड नाइट, डे एंड नाइट में जो चेंजेस होता है किसकी वजह से होता है? रोटेशन ऑफ अर्थ. अब जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको ये चीज़ पता चलेगी. डे एंड नाइट किसकी वजह से चेंजेस होता है? रोटेशन ऑफ अर्थ. अर्थ जो अपने रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, रोटेट करता है ना अपने एक्सिस पे, उसकी वजह से डे और नाइट में चेंजेस होते हैं. और जो वेदर में चेंजेस होता है, कभी आपको धूप मिलेगी कभी शाम मिलेगी, ये सब चेंजेस आपके किसकी वजह से होता है? सन की वजह से. किसकी वजह से? सन की वजह से. अब आगे देखिए, इन द सेम वे एवरी चेंजेस हैज अ कॉज. इसी तरह हर जो भी परिवर्तन होता है, हर चीज़ जो परिवर्तन हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई कॉज है. अगर फूड स्पॉइलेज हो रहा है, अगर खाना खराब हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न है, ठीक है. अगर प्लांट्स में ग्रोथ हो रहा है तो उसके पीछे एक रीज़न है, एनिमल्स में ग्रोथ हो रहा है तो उसके पीछे एक रीज़न है. हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है जो भी चेंजेस होते हैं. अब कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिया, इसे पढ़ते हैं. शेप, इफ यू कैन चेंज द शेप ऑफ द बलून बाय स्क्वीजिंग इट, इफ यू स्क्वीज हार्ड इनफ इट विल ब्रस्ट. इसका मतलब ये कहा शेप. अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक बलून है, आप उसको फुगाओगे, उसमें हवा भरोगे तो उसकी शेप में चेंज होगा कि नहीं? पर अगर आप उसको ज़्यादा भर दोगे हवा तो वो फट जाएगा, ठीक है. शेप में भी चेंजेस हो रहे हैं. साइज, अ ब्लोन अप बलून इंक्रीजेज इन साइज व्हेन किप्ट इन हॉट सन. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स कॉजेज अ बॉडी टू ग्रो इन साइज. सो बेसिकली देखिए, जब हमारी बॉडी में सेल्स के, जो हमारी बॉडी जो सेल्स से बनी हुई है, जब सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो हमारे बॉडी की ग्रोथ होगी, साइज में भी हम इंक्रीज होंगे, ठीक है. दूसरा एग्जांपल इन्होंने कहा क्या है कि आपने बलून देखा होगा, जैसे बलून्स हैं आप उन्हें धूप में रख देंगे तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके गैसेज जो होती है उसमें एक्सपांशन होता है और वो धूप में उसके फटने के चांसेस होते हैं, ठीक है. जबकि आप वही बलून ले जाके ठंडी में रख देंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है उनके मॉलिक्यूल्स में, तो धीरे धीरे उसकी शेप छोटी होती चली जाती है, उसकी साइज छोटी. यहाँ साइज की बात कर रहे हैं, बड़े छोटी वहाँ शेप की बात कर रहे थे, ठीक है. पोजीशन, व्हेन यू किक अ फुटबॉल इट मूव्स फ्रॉम इट्स पोजीशन. जब आप फुटबॉल को किक करते हो
तो वो अपनी पोजीशन जो चेंज करता है, ये भी चेंज हुआ कि नहीं? आपने एक टेबल रखा, आपने उस टेबल को सरकाया, तो इसमें चेंजेस हुए कि नहीं? कोई ना कोई चेंजेस हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कॉज है। सब चेंजेस ने आप नहीं होते। कलर, इफ यू हीट अ पीस ऑफ आयरन इट बिकम्स रेड हॉट। अगर आप आयरन की रॉड लेंगे और उसको गर्म करेंगे तो वो हॉट हो जाती है। आपने देखा होगा जो आपके ब्लैक स्मिथ होते हैं, जो लोहार होते हैं, आपने जब उनको देखा होगा, वो जब किसी चीज़ को शेप देते हैं उससे पहले खूब गर्म करते हैं। जब उसे गर्म करते हैं तो आपने देखा वो रेड कलर का हो जाता है ना। तो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ठीक है। कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक आपने स्टोर करके खाना रखा है, थोड़े दिन बाद आप देखोगे उसके कलर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो खराब हो रहा है। स्टेट, इफ यू हीट वैक्स इट मेल्ट्स। चेंज इन स्टेट, ये भी आपने पढ़ा है। सबसे एग्जाम्पल तो आपको वाटर ही है। फ्रीज कर दो, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। हीट कर दो, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ज़्यादा हीट बॉइलिंग करने लगोगे तो वो वेपर में चेंज हो जाएगा। तो चेंजेस यहाँ भी हो रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, व्हेन वी कुक फूड द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मेक अ फूड चेंजेस, बर्निंग वैक्स ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वैक्स, इन बोथ दिस केसेस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। अब बेसिकली देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि बहुत सारे चेंजेस हमारे चारों तरफ हो रहे हैं, इन सब के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। चाहे शेप में चेंज हो रहा हो, साइज में चेंज हो रहा हो, पोजीशन में, कलर, मतलब ये अलग अलग तरह से चेंजेस हैं। अब इन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए भी बताया कि जैसे हम कोई चीज़ खाना बना रहे हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर, वो भी चेंज होते हैं। अब भाई, आप जब आप खाना बनाने जाते हो तो आप इंग्रेडिएंट्स कुछ और यूज़ करते हो, और बाद में बनता तो कोई एक नया सब्सटेंस है ना, कोई एक नया चीज़ बनता है ना। आपने राइस में राइस दाल मिक्स करके कुछ बनाया तो वो जाके खिचड़ी बनी, अब वो राइस दाल थोड़ी रह गया। तो इस तरह इन सब चेंजेस में क्या होता है, या हमने जब किसी चीज़ को जलाया, हमने जलाया कुछ और था पर हमें लास्ट में कोई नई चीज़ मिलेगी, तो ये सब चेंजेस कैसे होते हैं कि जिसमें कोई नई चीज़ मिलती है। अब मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताती हूँ, कौन सा चेंज इरिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। कंसिडर द चेंजेस लिस्टेड अबव। The shape of the balloons come back to its original when you stop squeezing it. The balloon returns to its previous size when kept out of the sun for a little while. The kicked football can be brought back to its original position. The red hot piece of iron regains its original color when it is cooled. The molten wax becomes solid again when cooled. अब ये जो 5 पॉइंट मैंने रीड किया है, क्या कह रहा है? जो बच्चों हमने पहले चेंजेस पढ़े थे, आपके शेप, साइज, पोजीशन, कलर, स्टेट, इंटरनल स्ट्रक्चर, आपने चेंजेस पढ़ा था ना, बलून में कैसे चेंज हो रहा है, उसकी साइज में, उसके शेप में, पोजीशन चेंज की जा सकती है आप किसी फुटबॉल को किक करके, कलर चेंज किया जा सकता है आयरन को गर्म करके, ठीक है, वैक्स को मेल्ट करके उसकी स्टेट चेंज की जा सकती है। अब एग्जाम्पल में, सो बेसिकली रिवर्सिबल रिवर्सिबल चेंजेस का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो। ये जो भी चेंजेस मैंने बताया, जैसे बलून आपने उसको फुलाया, उसकी शेप चेंज हो गई, उसमें से जैसे ही एयर निकलेगा वो वापस अपनी शेप ले लेगी, तो आपको फिर वही चीज़ मिल सकती है कि नहीं। सेकंड एग्जांपल में, आपने बलून को धूप में रख दिया, ठीक है, उसमें थोड़ी देर साइज में उसके इंक्रीमेंट आया, गैस के गैस में एक्सपांशन होने की वजह से, आपने फिर ला के थोड़ी देर के लिए उसको छाँव में रख दिया, फिर उसकी साइज नॉर्मल होने की कोशिश करेगी। तीसरा, आपने किसी फुटबॉल को किक किया, आप दोबारा उस फुटबॉल को उसके ओरिजिनल पोजिशन में ला के रख सकते हो कि नहीं। चौथा, अगर आपने आयरन को गर्म किया, वो रेड हो गया, ठीक है, उसके बाद आप उसे दोबारा ठंडा करोगे तो फिर उसका कलर वही हो जाएगा। मोल्टन वैक्स है, अगर कोई चीज़ मेल्ट हो रही है आप उसको फ्रीज कर दोगे फिर वो सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगी। सो बेसिकली ये चारों चेंजेस, ये पांचों चेंजेस कैसे चेंजेस है, रिवर्सिबल चेंजेस है। कैसे चेंजेस है, रिवर्सिबल चेंजेस। ऑल दिस चेंजेस कैन देयरफॉर ईजिली रिवर्स्ड, ऐसे चेंजेस जिनको आप दोबारा रिवर्स्ड कर सकते हो। रिवर्स करना जानते हो ना, जैसे आपकी गाड़ी आगे चली गई, अब कि आप किसी ने कहा कि इसको रिवर्स करो, पीछे लो, तो फिर उसी पोजीशन पे आ सकती है कि नहीं। ये कैसे चेंजेस हैं, ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं। अगर बलून का शेप, अब बलून फट जाएगा तो हमें दोबारा बलून नहीं मिल पाएगा, पर अगर उसमें हमने एयर फिल कर दिया और हम उसके एयर को फिर निकाल देंगे तो हमें दोबारा वही बलून मिल जाएगा, एम्प्टी बलून हमको मिल जाएगा। उसके शेप और साइज में चेंज हुआ है पर वापस हमें वो चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। अगर आयरन की रॉड गर्म करने पर रेड कलर की हो जा रही है तो ठंडा करने पर वापस अपने कलर पर आ जाएगी। अगर कोई चीज़ मेल्ट हो रही है, अगर उसे हम थोड़ा फ्रीज कर देंगे तो वापस वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाएंगे। तो ऐसे चेंजेस, ऑल दीज चेंजेस कैन देयरफॉर ईजिली रिवर्स, दे आर नोन एज रिवर्सिबल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जिसको आप रिवर्स कर सकते हो, क्या कर सकते हो, जिन्हें आप रिवर्स कर सकते हो, वो आपके कैसे चेंजेस हैं, रिवर्सिबल चेंजेस हैं।
In most reversible changes, the internal structure of substance involved does not change. The molecules that make up substance does not change. रिवर्सिबल चेंज में क्या होता है, उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना जो सब्सटेंस को बनाते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होते. ठीक है, नाउ कंसिडरिंग द अदर सब्सटेंस. आपने समझा रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? ऐसे चेंजेस जिसको आप रिवर्स कर सकते हो. रिवर्स ज़्यादातर रिवर्सिबल चेंजेस में उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता, उनके मॉलिक्यूल्स में जो सब्सटेंस को बनाए होते जो मॉलिक्यूल्स उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते. ज़्यादातर सभी नहीं, ज़्यादातर रिवर्सिबल चेंजेस. ठीक है, रिवर्सिबल चेंजेस मैंने अगर कोई चीज़ यहाँ लिख दी, हम इरेजर से इरेज कर देंगे तो फिर क्लीन हो जाएगा कि नहीं, तो ये आपका रिवर्सिबल चेंज है. जिसको आप रिवर्स कर सको, उसके इनिशियल पोजीशन पे उसके पहले जैसे था वैसे बना सको, तो आपका कैसा चेंज है? रिवर्सिबल चेंज. नाउ कंसिडर द अदर चेंजेस. ब्रस्टिंग ऑफ बलून कैन नॉट बी रिवर्स. ग्रोथ ऑफ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स. कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैन नॉट बी रिवर्स. अब दूसरे चेंजेस, जैसे मैंने बलून में एयर फिल की, ठीक है, करते गए और लास्ट में बलून फट गई. अब मुझे दोबारा वो बलून मिल पाएगी जैसे थी पहले जैसे? नहीं. अगर किसी का ग्रोथ हो रहा है, मतलब कोई छोटा सा बेबी है, ठीक है, अब वो और बड़ा होगा, उसके बाद 10 इयर्स का हुआ, फिर 15, 20, फिर उसके बाद 25, 30, फिर उसके बाद अगर वो बूढ़ा हो गया, तो मैं उस जो कोई अगर एडल्ट हो जाए, ओल्ड हो जाए, उसके बाद बूढ़े होने के बाद मैं उसको वापस बच्चे में चेंज कर पाऊँगी? नहीं ना. तो ये सब चेंजेस कैसे? इरिवर्सिबल चेंज. जिसको आप चेंज ना कर सको, जिसको आप रिवर्स ना कर सको, वो आपका चेंज कैसा है? इरिवर्सिबल चेंज है. कुकिंग ऑफ फूड, अब एक बार आपने इंग्रेडिएंट्स मिला के जो खाना बना दिया, अब उसके बाद आप उसमें से राइस और जैसे आपने खिचड़ी तैयार कर दी, तो अब मैं आपको कहूँगी कि नहीं मुझे एक एक राइस निकाल के दो, एक एक दाल निकाल के दो, वैसे जैसे तो आपने डाला था तो वैसे मिल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं. तो ऐसी चीज़ें जो आपकी हम दोबारा रिवर्स न कर पाए, वो आपका कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज. एग्जाम्पल, ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस. पेपर दिया मैंने आपको, मैंने कहा कि बेटा आपके पेपर है, इसको फाड़ दीजिए. आपने फाड़ दिया, अब बताइए पेपर को आपको कोई नई चीज़ तो मिली नहीं, पेपर ही था. पर अब मैंने उसको पेपर को जलवा दिया, आपसे वो कहा इसको जला दीजिए, तो क्या दोबारा मुझे वो पेपर मिल पाएगा? तो कैसा चेंज है आपका? ये इरिवर्सिबल चेंज है, जिसको आप दोबारा रिवर्स्ड ना कर पाओ. ठीक है, इरिवर्सिबल चेंजेस. इन मोस्ट इरिवर्सिबल चेंजेस देर इज अ चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर. ज़्यादातर देखो रिवर्सिबल चेंजेस में क्या हो रहा था बच्चों, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो रहा था. ज़्यादातर, मोस्ट, सभी नहीं, ज़्यादातर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो रहा था. जो मॉलिक्यूल्स उसको बनाए रहते हैं उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा था. पर जो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं उसमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? चेंज होता है. क्या होता है? चेंज. और जो मॉलिक्यूल्स उसको बनाए होते हैं वो अब एक नए सब्सटेंस बनाते हैं. द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द सब्सटेंस अंडरगोस चेंज टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. अब क्या वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? अब एक नया सब्सटेंस बनाते हैं. और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? किसी के ग्रोथ में, कुकिंग में, बर्निंग में, हम सब में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. वो मॉलिक्यूल्स जो पहले कोई दूसरा सब्सटेंस बनाए थे, एक किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बाद उसके अंदर चेंजेस आएंगे, अब एक नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है. ग्रोथ में चेंज, ग्रोथ, कुकिंग, बर्निंग, ये सब कैसे चेंजेस है? इरिवर्सिबल, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. हाउ एवर, इन सम इरिवर्सिबल चेंजेस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज. फॉर एग्जाम्पल, वैन अ बलून इज बर्स्ट, देर इज नो चेंज इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ रबर. वन वे टू ग्रुप चेंज इज टू जस्ट सी इफ दे आर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. अब देखिए इन्होंने ये कहा कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी, जैसे बलून फट गया, ठीक है, बलून फट गया तो ये इरिवर्सिबल चेंज है, पर उसके मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं होता. फटने के बाद भी ये बलून ही रहेगा, आपको कोई नई चीज़ नहीं मिली. आपको क्या चेंज मिला? कि अब आप उसको दोबारा वैसे नहीं बना पाओगे जैसे था. तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस में, इवन रिवर्सिबल चेंजेस में, कि उनके मॉलिक्यूल्स में चेंजेस नहीं होते, वो जो सब्सटेंस था वही रहेगा. पेपर मैंने फाड़ दिया, अब चिपकाने को हम चिपका देंगे और वो रहेगा भी पेपर ही, ठीक है. इनके मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा. एग्जाम्पल, सो बेसिकली अगर मैं आपसे एक नॉर्मल शब्दों में पूछूं कि रिवर्सिबल चेंज और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज का डिफरेंस बताओ, तो ऐसे चेंज जिसको आप रिवर्स कर सकते हो, जैसे उसकी ओरिजिनल पोजीशन दे सकते हो, उसका ओरिजिनल कलर आप उसको दोबारा दे सकते हो, आप उसको फिर उसी स्टेट में ला सकते हो, मतलब
फ्रीज करके, या जिस स्टेट में आपको था सॉलिड में था तो आप उसको दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो आपका रिवर्सिबल चेंज है। ज़्यादातर रिवर्सिबल चेंज में उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स में कोई चेंजेस नहीं होता है। इररिवर्सिबल चेंज में क्या होता है, आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। एक बार किसी की ग्रोथ हो गई, एक बार कोई बड़ा हो गया तो फिर बच्चा नहीं बन सकता, ठीक है। एक बार अगर आपकी बलून फट गई है तो आप उसको दोबारा नहीं बना सकते। खाना एक बार बन गया तो उसके इंग्रेडिएंट्स आप अलग नहीं कर सकते, मतलब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज हो गए, उसके मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गए। जैसे नया सब्सटेंस बना लिया उसने, ग्रोथ कुकिंग एंड बर्निंग। पर कुछ एग्जांपल इररिवर्सिबल चेंजेस ऐसे होते हैं जो आपको कोई नया चेंज मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं होगा, बस हाँ आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे बलून का फटना, बलून फट गया वो रहेगा रबर का ही बलून, आपको बस चेंज क्या होगा उसमें कि आप उसको दोबारा जैसे था वैसे नहीं बना सकते, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी चेंजेस बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व। अब हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं उनके अकॉर्डिंग चेंजेस पढ़ेंगे। सो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ाऊंगी, उसके बाद लास्ट पार्ट, तीन पार्ट और, मतलब एक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का, और उसके बाद लास्ट पार्ट में हम आपको पढ़ा देंगे सम मोर एग्जांपल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आई होप आपने इसको समझा कि मैम आपको क्या पढ़ाने की कोशिश कर रही है। थैंक यू सो मच।